6.3 question number 4. Simplify the following where a x equal to 5 and y equal to 6. तो ये क्वेश्चन है 3x minus 2, x minus 1, 3x plus 5. ठीक है, तो सिंपलीफाई करना है पहले इसको, अरे फिर पुट मत करो. ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग क्या पता है, सिंपलीफाई का मतलब क्या है, इसको करो पहले. तो देखो हम लोग इसको और इसको इंटू करते पहले. ठीक है, 3x into x डायरेक्ट करेगा ना, थ्रे इंद्र करेगा डायरेक्ट. 3x into x कितना होता है, 3x स्क्वायर बारिया. 3x into minus 1 minus 3x. ठीक है, 3 1 जा 3 xx प्लस है माइनस है माइनस. 2x जा 2x माइनस माइनस है प्लस. 2 1 जा 2. अब इधर में क्या है, 3x प्लस 5. आया समझ में? हाँ. अभी देखो आई फिर से इसको इंडिविजुअल इंटू नहीं करके क्या करो, यहाँ जब कम कहाँ पे है, यहाँ पे कम है कि नहीं, इसको दो इंटू करो, इसको दो को बम फड़ाओ, ऐसे बम फड़ाओ, एक बार ऐसे बम फड़ाओ. ठीक है, पर है तो देखो 3x है, ये पूरा को इंटू करो, 3x स्क्वायर माइनस 3x. अभी और एक चीज़ कर सकते हो, इधर पे माइनस है माइनस से प्लस होता है. हाँ. तो माइनस माइनस 5x देख सकते कि नहीं, इधर पे आया समझ में, प्लस 2 ये प्लस 5 से बम फुटाओ ये सबको, ये सब क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. आया समझ में? हाँ. अभी देखो अभी करता है, 3 3 जा 9 x इंटू x स्क्वायर x क्यूब, 3 5 जा 15 x x x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 6x. आया समझ में? हाँ. प्लस 5 से करो, 5 3 जा 15 15x स्क्वायर प्लस है माइनस है माइनस, 5 5 जा 25 25x प्लस हो जा माइनस 10. अभी जहाँ पे x स्क्वायर है y x क्यूब है उसको एक साथ लाओ. ठीक है, अभी देखो तो इधर पे 9x क्यूब है क्या और नहीं है, अभी इसको लाओ माइनस 15x स्क्वायर है क्या, 15 स्क्वायर. हाँ हाँ, अरे कट दो. ठीक है, अभी अभी क्या आता है नेक्स्ट, 6 ना प्लस 6x मतलब क्या माइनस 25x और नंबर नंबर कितना है प्लस 10. देखो 9x क्यूब माइनस प्लस है माइनस बिकर से माइनस 19 कितना आया है 19x प्लस 10. क्या यही आंसर था? हाँ, ये निकल गया. अभी हम क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है नाउ. अभी क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है. ठीक है, ऐसे अभी हम लोग चेक करेंगे वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, अभी देखो नाउ नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द value of x and y x and y x y चलो पुट इन द वैल्यू ऑफ x एंड y जो भी हो, ये अभी इसमें इसको लेफ्ट हैंड पकड़ पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, क्या क्या पकड़ते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 2 बाद में और क्या है x माइनस 1 3x प्लस 5. आया समझ में? अब x एंड y 5 पुट करते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 2 मतलब क्या है 5 माइनस 1. हाँ चलो 3 इंटू 5 प्लस 5 कितना होता है देखो 15 कितना आ रहा है 15 माइनस 2 इधर करता है 39 है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 20. सबको इंटू करना कितना मिलता है 1040. आया समझ में? आइए हम लोग क्या करेगा, राइट हैंड साइड करेगा, राइट हैंड साइड. देयरफॉर राइट हैंड साइड ये है ना, राइट हैंड साइड क्या है 9x क्यूब माइनस 19x प्लस 10. आया समझ में? हाँ. अब x का वैल्यू को पुट करें इधर पे, 9x कितना था 5 था, 5 क्यूब माइनस 19 इंटू 5 प्लस 10. देखो 9 5 क्यूब कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 हाँ गुड 125 माइनस 19 5 जा 95. ठीक है 95 जा 95 प्लस 10 अभी करते देखो अभी इंटू करते 125 इंटू 9 95 जा 45 हाथ में 4 है 9 जा 18 22 हाथ में 2 है यानी 9 10 11 माइनस देखो 80 95 माइनस 10 85. आई माइनस करते हैं अभी देखो कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा है नहीं कुछ अबे 9 5 जा 45 4 है 9 जा 18 एंड 22 9 जा 9 10 11 होगा ना इधर में ठीक अभी माइनस करते हैं 5 माइनस 5 0 12 माइनस 8 4 1 था 1 0 हो गया आया ना देखो लेकिन था कितना है 1040 या भी कितना है 1040 हो गया वेरीफाइड हैंड्स वेरीफाइड इसमें क्या लिखा हूँ हैंड्स वेरीफाइड आया समझ में हैंड्स
इसी तरह बाकी क्वेश्चनों को करो। सो दिस क्वेश्चन नंबर 6.3 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट a plus 2b a minus 3b क्या a का वैल्यू कितना है वेयर -1 a equal to -1 and b equal to 2 डर है बोला कि फाइंड द वैल्यू निकालो फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट निकालो डर पुट करो a का जगह में b का जगह में जब वैल्यू पुट करो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वैल्यू ऑफ a एंड b a कितना था -1 2 into b कितना है b 2 2 होगा a कितना था -1 -3 into 2 देखो बंधन सूत्र पता है हां बंधन स्प्रिंग बोलो मुन्नी b o b m a s b o का मतलब क्या बहुत पावर और ब्रैकेट ऑफ मतलब ये क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा उसके बाद मल्टीप्लाई इसके बाद प्लस के बाद में माइनस करना होता है ठीक है तो देखो इधर में क्या डिवाइड है इनटू a हां इनटू करना पड़ेगा पहले माइनस 1 2 जा 4 आया अभी तो देखो माइनस 1 माइनस 3 जा 6 माइनस प्लस है माइनस 4 से 1 जाने से 3 माइनस 1 से प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 बिगर से माइनस 7 3 जा 21 माइनस 21 हो गया आंसर ये जाने क्या करें a और b का वैल्यू पुट किया ना हां पुट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन द वैल्यू ऑफ a एंड b a एंड b देखो मुन्ना इधर देखो 6a स्क्वायर a कितना है 1 ना 1 स्क्वायर प्लस 8 a कितना है 1 b कितना है माइनस 1 प्लस 9 इनटू 1 इनटू माइनस b प्लस 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर आया समझ में अभी नेक्स्ट देखो 7a स्क्वायर मतलब 7 1 स्क्वायर प्लस 14 इनटू 1 इनटू माइनस 1 प्लस 3ab प्लस 3 क्या ये सही है 14ab है इधर पे हां इधर देखो अब प्लस यहां पे 3ab 3 इनटू 1 इनटू b माइनस 1 प्लस 6 b कितना है माइनस 1 का होल स्क्वायर आया समझ में इधर देखो मुन्ना तो 6 माइनस का 1 ही होता है 6 प्लस माइनस प्लस है माइनस 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 प्लस प्लस है माइनस 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 माइनस प्लस 12 क्लियर हो गया सर वो 6.1 है 61 है इन दो है वो अबे ये देखो 7 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है 7 1 जा 7 प्लस माइनस प्लस है माइनस माइनस 14 1 जा 14 प्लस माइनस है प्लस माइनस है माइनस 3 प्लस 6 अभी देखो प्लस है प्लस माइनस करो कुछ नहीं है इधर पे देखो मुन्ना इधर 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 12 12 अभी देखो इधर पे माइनस माइनस 3 इसमें 7 माइनस 14 माइनस माइनस 7 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 6 देखो इधर में होगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस 4 माइनस 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 प्लस 1 प्लस 4 तुम्हारा हो गया आंसर 5 देखो इधर पे तो ये रहा क्वेश्चन देखो 6.3 फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप ये क्या शेप है इधर ये तो देखो चारों साइड इक्वल नहीं है क्या हां तो अगर चारों साइड इक्वल है तो उसका क्या शेप होता है 42 साइड स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर हम लोग एरिया नहीं है तो इट इज स्क्वायर हियर 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 फोर साइड आर इक्वल हियर फोर साइड्स आर इक्वल सो इट इज स्क्वायर सो इट इज स्क्वायर है कि नहीं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर हां गुड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट साइड इनटू साइड साइड कितना है यहां पे 4x प्लस 5 और यहां पे क्या है 4x प्लस 5 आई समझ में अभी करता है इसको देखो 4 4 जा 16x स्क्वायर 4 5 जा 20x 5 4 जा 5 20x फिर से प्लस है प्लस है प्लस 5 5 जा 25 तो कितना हो गया 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40x प्लस 25 हो गया आंसर खत्म ये है आई होप इट इज क्लियर पूरा गजा मजा नेक्स्ट क्वेश्चन करें
नहीं हो गया नेक्स्ट फिगर जैसे अभी क्या लिखा हुआ है कि 2x प्लस 7 2x प्लस यहाँ पे कितना है 6 प्लस 6 माइनस 4 देखो ये क्या 3x प्लस 2x प्लस 3x माइनस अभी देखो क्या ये क्या रेक्टेंगल नहीं है क्या हाँ तो हियर इट इज अ रेक्टेंगल ये क्या है मिरर देखो इसको द फिगर इज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल 2x प्लस 7 So therefore, area of rectangle kitna hota hai length into breadth length kitna hai 2x plus 7 breadth kitna hai 3x minus 4 dekho 2 3 ja 6 x square 2 4 ja 8 minus 8x plus hai minus plus hai plus hai plus 7 21 21x plus hai minus hai minus 7 4 ja 28 abhi dekho idhar pe 6 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस देखो इधर में अगर 21 से ही जगह तुम्हारा 30 प्लस 30 नेक्स्ट माइनस 28 हो गया खत्म इतना ही आंसर नहीं ओके द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब पसंद है कि नहीं तुम लोगों को क्यूब रूबिक्स क्यूब देखा है रूबिक्स क्यूब ऐसा ऐसा होता है कि नहीं रमेश हाँ, हाँ. तो इसको बोलता है तुम्हारा क्यूब 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 हर साइड सेम नहीं होता इसका हर एक साइड सेम होता है कि नहीं तो देखो इसका एक साइड देखिए कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3y आपको निकालना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एंड एरिया पता है आपको द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब कितना होता है एल क्यूब वॉल्यूम कैसा होता है L क्यूब मतलब क्या है length into length ठीक है तो क्या होगा इसका L into L देखो तो 2x square plus 3y फिर से इसका डायरेक्ट क्यूब कर दो तो हो जाएगा समझ में नहीं आया आया फिर लेंथ ये है इसका क्यूब तो हमको ये इसका फॉर्मूला पता है कि ना आप लोगों को a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इसका होता है तुम्हारा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला होता है ठीक है नहीं पता तो बताओ हाँ ये देखो यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे ये है टू एक्स स्क्वायर की क्यूब बने बी क्यूब एक दो प्लस थ्री ए स्क्वायर इधर देखो बात मत करो 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b 3y प्लस 3ab स्क्वायर 3a क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर और b स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 3y का क्यूब आए समझ में देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और x स्क्वायर का क्यूब 3 टू 6 प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 x की पावर 4 y x की पावर 4 y प्लस 9 2 जा 18 18 18 3 जा 9 3 6 9 6 जा 54 54 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 3 9 9 3 27 27 y क्यूब आया समझ में क्या हो गया इसका आंसर खत्म अभी आपको निकलना है कि एरिया अभी एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 l स्क्वायर क्या होता है 6 l स्क्वायर तो 6 l क्या यहाँ पे l था तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 3y आया समझ में ये है तुम्हारा ओ l अभी देखो इसका स्क्वायर l का स्क्वायर हमको पता है ना फॉर्मूला कि ए प्लस बी होल स्क्वायर कभी मिला है सुना है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ये फॉर्मूला सुना है कि नहीं हाँ ऐसा सुना नहीं सुना है तुम लोग फॉर्मूला क्या बात कर रहे तो सिक्स यहाँ पे देखो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया टू ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
3y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y। अभी देखो 2 जा 4, 4 6 जा 24, 8 की पावर 4, कौन है कौन है ये? नाइन माइनस स्क्वायर प्लस 4 3 जा, इसका व्यवहार खेलते हैं।